देखिए, पिताजी के सोच की जीत है, पिताजी के संस्कारों की जीत है, इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। हमारे साथ अमन गिरी हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, जो चुनाव जीत गए हैं। अमन, जिस तरह चुनाव जीते हैं, किसको बधाई देते हैं, किसको श्रेय देते हैं? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्वों को, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को, ब्रजेश पाठक जी को, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को, हमारे उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी को, हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, सभी मंत्रियों को जिन्होंने हमारा सहयोग करा है, हमारा साहस बनाया है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता चाहता हूँ। और साथ ही साथ में मैं गोला विधानसभा क्षेत्र की सभी निवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पिताजी का नाम बनाए रखा। इस जीत में उनका सबसे बड़ा सहयोग। आप इतनी बड़ी जीत मानते हैं इसको? देखिए, पिताजी के सोच की जीत है, पिताजी के संस्कारों की जीत है, इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। क्या लगता है, जिस तरह समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि सरकार ने चुनाव लड़ा है, सरकार ने जिताया है, देखिए वो हर इलेक्शन से पहले एक बहाना ढूंढती है। इस चुनाव में भी उन्होंने एक बहाना ढूंढा है जो आप लोग के बीच में है, लेकिन इस चुनाव से एक संदेश जा चुका है आगे वाले हर चुनाव के लिए कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का एक सहयोग और एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बना है और आगे वाले हर चुनाव में दिखाई देगा। जो निर्देश आज है वही आदेश। सबसे बड़ी उम्मीदें हैं जनता की, क्योंकि युवा है। देखिए, सभी साथी हमारे साथ हैं, पिताजी के सभी साथी हमारे गुरु रूप आज साथ में हैं, सबका मार्गदर्शन होगा। जीत का श्रेय ये देखिए, हमारे साथ जो गोला विधानसभा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, अमन गिरी हमारे साथ थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता ने एक विश्वास जताया है, उस विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी यूपी तक।